I'm very, very happy and delighted today that we are meeting on a Friday instead of a Thursday. तो इसके पीछे बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मतलब है जो मैं एक मिनट में बताना चाह रहा हूँ. थर्सडे हमारा फेलो सेमिनार होता है अक्सर नियम अनुसार और क्रम अनुसार. तो ये शुक्रवार की क्या नई बात हो गई? तो दरअसल कोविड में कई लोगों ने सुझाव दिए कि हमारा जो नियमित क्रम जो है फेलो सेमिनार्स का, उसके अलावा और भी गतिविधियां और कार्यक्रम इंस्टीट्यूट में होने चाहिए. तो हमने सोचा कि शुक्रवार की दोपहर को ऐसे कार्यक्रम हो जिनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर कह सकते हैं. तो इसमें कविता पाठ भी होगा और कभी हम फिल्म भी दिखाएंगे, उस पर भी चर्चा हो सकती है. और फेलोज अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अलावा कुछ दूसरे उनके शोध कार्य हो तो उसके बारे में भी सबके साथ शेयर कर सकते हैं. तो हमने ये सोचा. तो सबसे पहले रितिका जी और सब हमारे जो सहकर्मी हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने ये आरंभ किया है. और आशा है कि हम अगर हर शुक्रवार नहीं तो एक शुक्रवार छोड़ के ऑल्टरनेट शुक्रवार्स को हम इसको करने की कोशिश करेंगे. तो आप में से जिन लोगों को कोई अच्छे आइडियाज़ हैं, अलका जी को तो पोएट्री रीडिंग करनी है, मेरे से बात भी हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते अलका जी आप प्लीज़ कर लीजिए अगर किसी और को आपत्ति ना हो तो. और दूसरे हमारे यहाँ जो अध्येतागण हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि अगर आपको कोई अपना कार्यक्रम करना हो, सुझाव देने हो, तो कृपया आप रितिका जी को अपना नाम दे दीजिए और शीर्षक भी दे दीजिए ताकि हम इसको नियमित रूप से इसको चालू करें. ऐसे 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 मुझे लगता है. आप लोगों को क्या लगता है बताइए ज़रा. एक मिनट में आपकी बात सुनना चाहता हूँ. अगर सबको अच्छा लग रहा हो तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड सो दैट वी कैन जस्ट कंटिन्यू विद दिस. सर, मैं ये कहना चाहती थी कि मतलब पोइट्री सुनने का मजा तो एक सामने रहकर उस ज्यादा अलाइव होती है क्योंकि वो तो अपनी एनर्जी भी उसकी आती है. तो सिस्को पे शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा पोइट्री. तो हम सोच रहे थे थोड़ा वेट कर लेते हैं और फिर बाद में फेलोज लाउंज में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी रखते हुए हम लोग करें. मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूंगा अलका जी के. देखिए, आप एक काम कर सकती हैं कि जो पाठक हैं पोएट्री के, जो कविता पाठ में खुद शरीक होना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, 5-6 के से ज्यादा एक स्लॉट में हम शायद मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आप उन सबको फेलोज लाउंज में बुला लीजिए. वहां हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे. सर, मेरा एक सजेशन है. हाँ जी, प्लीज 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 गो अहेड. सजेशन ये है कि अगर तो कोई जैसा पोएट्री कॉम्पिटिशन या कोई गीत का कार्यक्रम अगर रख रहे हैं तो दैट कैन बी हेल्ड इवन इन पूल थिएटर विद सोशल डिस्टेंसिंग. Why not? Except that pool theater में एक स्टेज है आगे और पीछे कुर्सियां हैं. हाँ. तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी जगह हो. उससे तो अच्छा हमारा सेमिनार हॉल है सर, उसमें बहुत जगह है. हाँ. कुर्सियों को, 2-3 कुर्सियों को साइड में रख के. लेकिन जो मुझे लग रहा है, if I may be allowed to just finish my thought, basically क्या है कि we have senior citizens and other people who have maybe, I don't want to use the word comorbidity, but other issues. So I don't think we should be very alacritous in opening up. Thoda sa hum saavdhani barte to theek hai, lekin agar poetry reading ki jab baat kar rahe hain to fellows lounge ya even seminar hall mein 5-6 log jinko padhna hai wo aa sakte hain aur bahut jagah hai, kafi hum distance rakh ke usko kar sakte hain. Others can join through webex. Ye mera sujhav tha. Ye ek middle path hai. तो अलका जी आप सोच लीजिए. और दूसरे हैं लोग हमारे समक्ष आज अध्येता, हमारे रिस्पेक्टेड अध्येता लोग जो हैं, आदरणीय अध्येता गण, तो उनमें से कोई भी सुझाव देना चाहे तो. मेरी तो ये एक इच्छा थी कि प्रोफेसर शरद देशपांडे ने बहुत एक अच्छी फिल्म मुझे दी थी देखने के लिए, आर्टिस्ट एंड द मॉडल. इतनी बढ़िया फिल्म है, उसको हम दिखा सकते हैं. रितिका जी ने शायद उसको फॉलो अप किया है, लेकिन आज मैं उनसे पूछूंगा, दोबारा मुझे मिलने आ रहे हैं.
तो वो भी एक फ्राइडे को रख सकते हैं, लोग रिलैक्स होके फिल्म भी देख सकते हैं. सो लेट्स कंसिडर दिस एंड नाउ लेट्स मूव अहेड. आई थिंक मोस्ट पीपल लाइक दिस आइडिया. नाउ चहल साहब अच्छा कहीं जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक वी कैन वेट फॉर हिम टू कम बैक. अच्छा, दूसरे किसी के सुझाव हो तो बता दीजिए इस कार्यक्रम के बारे में. आई हैव कम बैक सर, आई एम हियर. ओके, एक्सलेंट एक्सलेंट. बट आई थिंक एनीबडी एल्स हैज अ सजेशन अबाउट दीस programs, please let me know. Sir, your idea is great and we are with you. Thank you so much, but please give your names. I'm very happy that Chahal sahab is starting this. To main ek do cheeze iske bare mein kehna chahta hu. Unka jo project hai, I'm very happy actually and very proud that in addition to his official research, Professor Chahal has finished his autobiography. I think let's give him a big hand. I think this is a great achievement and I think that ye covid ke samay ek bonus hum samajh sakte hain ki apne kaam ke alawa inhone apni aatmakatha bhi likh dali hai. To isi ke sandarbh mein main ek do cheeze kehna chahta hu. Sabse pehle ye ki jo hamari sanstha hai IIS uchcha adhyayan sansthan, dalit sahitya, dalit chetna, dalit aatmakatha, इन विषयों को लेके पहले से दिलचस्पी रही है. हमारे यहाँ एक बहुत ही मान्यता प्राप्त दलित लेखक हमारे समक्ष थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी. तो उनका देहांत भी हुआ कैंसर से जब वो अध्येता थे. इसके बारे में पिछली बार चहल साहब ने हमें बताया था, क्लियरिफाई कर दिया था, क्योंकि वी वर सो सैड टू हैव लॉस्ट विजया जी. तो इनका शोध कार्य मेरे सामने है इधर, ये बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है. एंड इसमें कहने की बात यह है, इसका शीर्षक है हिंदी दलित कविता और मराठी दलित कविता का तुलनात्मक अध्ययन और दलित आंदोलन पर उनका प्रभाव. तो इसमें एक दिलचस्प चीज़ ये थी कि इनकी अकस्मात अनटाइमली डेथ देहांत होने के बावजूद मिसेस ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने मैन्युस्क्रिप्ट जो था उनके पास वो पूरा करके सबमिट किया और IIS ने छाप भी दिया है. तो मेरी आशा होगी कि चहल साहब की भी मैन्युस्क्रिप्ट छप जाएगी. तो मैं यही दलित ऑटोबायोग्राफी पे एक दो चीज़ें कहना चाहता हूँ, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ. वैसे आप सबको मालूम ही होगा, लेकिन इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हुई, इसका श्रेय महाराष्ट्र को जाता है. 50s 60s में एक मूवमेंट चली थी महाराष्ट्र में, जिसको हम कह सकते हैं कि लिटिल मैगजीन मूवमेंट. और फिर उसमें सोशल चीज़ें भी जुड़ गई, फिर दलित पैंथर्स मूवमेंट शुरू हुई 60s में. और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बाबूराव बागुल ये पहले लेखक थे जिन्होंने एक शायद संग्रह निकाला था, कहानी संग्रह, जिसका शीर्षक अगर मुझे ठीक से याद हो तो मी जात चोरली, मैंने जात चुराई, ऐसे कुछ उसका शीर्षक था. उसके बाद में अन्ना भाऊ साठे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दलित लेखक थे जिन्होंने दलित आत्मकथा का दौर शुरू किया. मुझे इनके बारे में कुछ पता है क्योंकि मेरे एक स्कॉलर थे, रिसर्च स्कॉलर मिलन अवार्ड, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है JNU में, उनकी MPhil जो मैंने गाइड की थी वो अन्ना भाऊ साठे पे थी. अब अन्ना भाऊ साठे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ट्रेड यूनियन और लेफ्टिस्ट मूवमेंट से भी जुड़े थे, और वो महार समुदाय से नहीं बल्कि मांग समुदाय से आते थे. तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग उसमें डायनामिक्स है महाराष्ट्र में, क्योंकि जो डोमिनेंट कम्युनिटी है दलितों में वो महार कम्युनिटी है. उसी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी आते थे. और लेकिन इसमें एक बात जो ध्यान रखने में है वो ये है कि अन्ना भाऊ साठे भी नवबौद्ध बन गए, और वो भी एक पहले मार्क्सिस्ट थे फिर अंबेडकर राइट बन गए, ये मैं कहना चाह रहा था. तो और इसमें दो तीन चीज़ें आई वांटेड टू ऐड, विच इज़ द फर्स्ट फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट दलित ऑटोबायोग्राफीज. नाउ दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड जॉनर, व्हेन इट बिगैन इन द 60s इट वॉज अ वेरी इंसिपियंट नेसेंट जॉनर ऑफ राइटिंग. But it's now, you might even say, it has acquired a certain kind of prestige. It has won awards.
Now, I'll give you one example. Narendra Jadhav's autobiography, translated into French and English and other languages, was an international bestseller. So in a way, the wheel has come a full circle. Secondly, there is a difference between an autobiography and a testimony, you know. I think Chahal Sahib and I were talking about it. So, you know, an autobiography is a very, very old and established literary form. And when initial criticisms of the Dalit autobiography came, people said, oh, this is not an aesthetic form. Isko hum, you know, atma katha nahi keh sakte. Because wo sara jumbled up hota tha, itna usme rosh tha, itni peeda thi, ke wo jo well-organized self hota tha, वैसे नहीं होता था, you know? तो इसके बारे में, इसके aesthetics के बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ. This is my main point. That Dalit aesthetics is very different from the, not just upper caste, but established aesthetics. And the one thing I wanted to say, since I have guided research in this, is that Dalit narratives, especially in Maharashtra, are very important, not only for their social and political messaging. वो तो सबको पता है, उसी के बारे में लोग बार बार लिखते हैं. और इवन शरण कुमार लिम्बाड़े, when he wrote a book on Dalit aesthetics, उनका यही कहना था कि Dalit aesthetics is not like Brahminical aesthetics, it is not based on Satyam Shivam Sundaram, you know, it is actually about justice, you know, and truth and suffering, etc. So this is a very valid position from one point of view. But as a literary critic myself, what I want to emphasize is that apart from its political and social messaging, apart from its ethical values, Dalit narratives are extraordinary from an aesthetic point of view, not the aesthetic point of view that Sharan Kumarji and others try to establish, an alternative aesthetics. Mere kehne ka matlab ye hai ki Dalit narratives invented a new language. जैसे जो मिडिल क्लास भाषा थी और भाषा प्रयोग था, उसमें से मैं तो कहूंगा कई ऐसे शब्द हैं दलित नैरेटिव्स में. आपको सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है या कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है? जी, आवाज आ रही है सर, अच्छी तरह से आ रही है. अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद. मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप अक्कर माशी पढ़ेंगे, for example, again, Sharan Kumarji's novel. I remember my mother read this book, you know, and she wrote a beautiful letter to Sharan Kumarji. But you know what she told me? She said, Makrand, I am a native speaker of Marathi. I have read Marathi literature. But isme aadhe adhik aise shabd hai jo maine kabhi sune hi nahi hai. Aur isme jo hum ashleel keh sakte hain, waise shabd prayog aur, you know, whatever you want to call it, galia, vyanjan. So it was a kind of mind-blowing experience for her, let me put it like that. Of course, she's a very liberated person. That's not the issue. Main kuch aur kehne ki koshish kar raha hu ki jab unhone mujhe ye bataya, I immediately realized that what Dalit narratives did is they broadened the scope of language itself, of literary creativity itself. They brought a whole new register, a whole new metaphoricity, a whole new way of expressing ourselves, you know. So they broadened the creative vocabulary, you know, of our literary imaginary. This is what I wanted to say. Of course, they broadened our social and experiential spectrum as well. Iske baare mein koi shak nahi hai, but they made a major literary contribution. Now, I'll mention one more little thing and then I'll pass on, which is that if you think about traditional so-called Brahminical aesthetics, Natyashastra, the oldest book of literary criticism, dramaturgy, aesthetics, and our Dataramji is a great expert in this. So please think about Dalit literature in the framework of rasa, and even to some extent dhwani. Main dhwani pe bhi jyada aaj nahi bolunga, but aap ye rasa framework mein Dalit literature ko dekhenge, to usme इतना रौद्र रस मिलेगा आपको और करुणा रस मिलेगा. तो रस शास्त्र में भी ये फिट होता है. तो मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब मेरा प्रस्ताव ये था कि ये जो दलित साहित्य और समीक्षा को लेके जो अलगाववाद चला है,
कि ये कुछ एक्सेप्शनलिज्म है कि जो दलित एक्सपीरियंस है वो किसी और को ये महसूस ही नहीं हो सकता या शेयर ही नहीं सकता हो सकता, ये सिर्फ दलित एक्सपीरियंस इज द एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये जो एक अवधारणा चली है कई मैं कहता हूँ शतकों से, इसके पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस भी, आई वोंट गो इनटू दैट, उस पर मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम दलित कहते हैं वो कोई एक जाति विशेष नहीं है, ये एक सुपर आर्चिंग अम्ब्रेला कैटेगरी है, यू नो, बिकॉज इट इंक्लूड्स पीपल इन यू सी वेस्ट बंगाल वेयर द कास्ट सिस्टम वॉज वेरी डिफरेंट एंड पीपल इन महाराष्ट्र, इन तमिलनाडु, इन हरियाणा, वील बी हियरिंग अबाउट हरियाणा सून, सो इट इज एन ओवर आर्चिंग कॉन्स्ट्रक्ट, इट इज नॉट ए स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप और जाति, वट वी टू कॉल जाति। सो माई सबमिशन इज दैट विदाउट, आई मीन इन अदर वर्ड्स, इज देर अ वे टू क्वेश्चन दलित एक्सेप्शनलिज्म, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ओके, बट आई एम श्योर चहल साहब विल डिसएग्री विथ मी and I look forward to his disagreement, frankly, because he has made a very important point in his abstract that Dalit narratives are not cathartic, they are not meant to release you from suffering, they are meant to relive suffering, they are a duty to memory which brings about social change. So it's a very beautiful point he is making, no dispute about it, but I can only say that reliving suffering is also a release from suffering, and so it's not contradictory. I wanted to say something about that famous book by Gopal Guru and Sundar Sarukkai about experience versus theory, but I won't, because again I don't believe it's a dichotomy, that's my point, ye dichotomous nahi hai, theory feeds into experience, experience feeds into theory, you can't say Dalits have experience and non-Dalits have theory, so all these things I question these binaries. But the last thing I want to say is what I call, the sliding scale, of deprivation. This is a theoretical construct or idea I want to advance. What do I mean by that? You see, Dalit suffering gets inflected across generations through the process of embourgeoisement. एम्बूजवामों का क्या मतलब है? एम्बूजवामों का मतलब ये है कि जो डिप्राइव्ड, बहिष्कृत या आप कह सकते हैं ओप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है वो मिडिल क्लास बनना चाहते हैं, ये इनका एस्पिरेशन है, और जब वो मिडिल क्लास बनते हैं तब उनकी उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, उनकी चेतना और उनका विचार और उनकी दृष्टि भी बदल जाती है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये ट्रांस जेनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से दलित साहित्य पर क्या परिणाम होगा, तो मैं आई वॉन्ट टू एंड दिस बाय कोटिंग, यू नो दिस बुक आई ऑलरेडी मेंशन्ड बाय डॉक्टर नरेंद्र जाधव, माय फैमिली'स ट्रायम्फेंट जर्नी आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। तो इसमें इन्होंने ये प्रस्ताव किया है कि दलित नैरेटिव्स दो प्रकार के होते हैं, एक है जो नेगेटिव है, वो ये इनकी परिभाषा है, मेरी नहीं है, नेगेटिव यानी जिसमें आक्रोश है, जिसमें एक प्रकार से गुस्सा है, जबरदस्त गुस्सा, और इट इज ऑल्सो अ नैरेटिव ऑफ रॉन्ग्स ऑफ सोसाइटी, जो अन्याय हुआ है, बेइंसाफी की जो इसमें बात होती है, दैट इज वन। अब उनका ये कहना है नरेंद्र जाधव जी का, उन्होंने कहा है देखिए मैं प्लानिंग कमीशन का मेंबर बना, मुझे गवर्नमेंट ने IMF भेजा, मैं UGC का चेयरमैन बना, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो मैं बार बार सिर्फ अपनी डेप्रिवेशंस की बात कैसे कर सकता हूँ। तो उनका ये कहना है दलित शुड ऑल्सो राइट पॉजिटिव ऑटोबायोग्राफीज, एंड ही इलस्ट्रेट्स दिस बाय the point that I was making of transgenerational transformation in a modern democratic polity with affirmative action and constitutional safeguards. To iska sabse acha main keh sakta hu suboot ya praman kya hai, unhone apne beti Apurva Jadhav ji ko jo doctor bani Johns Hopkins mein, unhone apni shiksha prapt ki, unka janm Indiana mein hua kyunki unke pitaji mataji Indiana University Bloomington mein us samay the,
और वो तो उन्होंने फिर वो भारत भी आई, ऐसा नहीं है कि वो भारत नहीं आई, तो बहुत अच्छा उन्होंने एक आफ्टरवर्ड लिखा है, एंड वो आफ्टरवर्ड का मैं आखिरी पैराग्राफ में से, हमारे संघर्ष दूसरों से अलग रहे, अलग ही रहे हैं, भले ही सांस्कृतिक रूप से और डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में कहूँ तो नस्लीय और प्रजातीय रूप से हम दूसरों के कितने ही, दूसरों से कितने ही करीबी से जुड़े रहे हैं। संस्कृति से ही बात शुरू करता हूँ। मेरा जन्म रोहतक शहर में 6 सितंबर 1968 को हुआ। मेरे अनपढ़ किंतु जागरूक पिता ने हमारी घरेलू बही में यह तिथि लिखवाई। रोहतक हरियाणवी संस्कृति का गढ़ माना जाता है। हरियाणवी संस्कृति की कुछ खास विशेषताएं रही हैं, जैसे जैसे लठमार भाषा, अखड़ता, अलग तरह का डिठोरा या अकड़, थोड़ी उजड़ता, गवारूपन, आक्रामकता, स्वाभिमान, अति आत्मविश्वास, बहादुरी, हास्य बोध इत्यादि। ये लक्षण पूरे हरियाणा के लोगों में हिंदुनादिक रूप से पाए जाते हैं, किंतु रोहतक के लोगों में इतने मुखर रूप से ये दृष्टिगोचर होते हैं जितने शायद अन्य क्षेत्रों के लोगों में दिखाई नहीं देते। प्राय इन गुणों को हरियाणा की प्रभुत्वशाली जाटों से भी जोड़कर देखा जाता रहा। ऐतिहासिक रूप से हरियाणवी संस्कृति के विकास में कृषक पृष्ठभूमि से जुड़े जाटों की अहम भूमिका होने के बावजूद कालांतर में ये हरियाणवी गुण एवं जीवन मूल्य हरियाणा में रहने वाले तमाम लोगों के जीवन एवं संस्कृति का हिस्सा बन गए। हमारा समुदाय भी इसका अपवाद नहीं। अब जरा कुछ और पढ़ता हूँ, मेरे ख्याल आपको रुचिकर लग रहा होगा। दरअसल 20वीं शताब्दी के 6-7वें दशकों तक आते आते हमारे मोहल्ले के लोगों में भी दलित अस्मिता, स्वाभिमान एवं स्वावलंबन जैसी भावनाओं का जन्म हो चुका था। वस्तुतः बस्ती के लोगों में सामाजिक चेतना का जन्म तो 5-6 दशकों में ही हो चुका था। मोहल्ले के लोगों का एक दल, जिनमें मेरे युवा पिताजी भी शामिल थे, ये बड़ी नोट करने की बात है, मेरे पिताजी भी शामिल थे, 1956 में बाबा साहेब की मृत्यु से थोड़े से दिन पहले दिल्ली में उनसे मिलने एक सभा हेतु आमंत्रित करने के लिए गया था। हालांकि बीमार होने के कारण बाबा साहेब हमारे यहाँ नहीं आ सके थे। यह संभवतः इस मुलाकात का ही असर था कि मेरे पिता समेत तमाम लोगों ने उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया था। इससे पहले बाबा साहेब की ही बात मानकर न केवल रोहतक अपितु हरियाणा भर के चर्मकारों ने मुर्दा पशुओं को उठाना, उनका चमड़ा उतारना एवं मुर्दा मांस खाना छोड़ दिया था। इस संबंध में बकायदा लोटे में नमक, ये हमारे यहाँ की कहावत है, लोटे में नमक डालकर पक्की शपथ ले ली थी। हमारे मोहल्ले में उसके बाद हडवारी वाली जगह का इस्तेमाल बंद हो गया था। हडवारी आप समझते हैं, जहाँ चमड़ा उतारा जाता है। अपने बचपन के में मेरे पिता भी मुर्दा पशुओं की खाल को उतारने और इस तरह से कमाने का काम कर चुके थे, परंतु अब वे सिर्फ मोचीगिरी का काम करने लगे। जाहिर है संस्कृति का जन्म हमारे लोगों में भी हो रहा था। थोड़ा सा अपने पिता के बारे में बताता हूँ, जिनसे मैं बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित रहा, प्रेरित रहा हूँ। मेरे पिता श्री बलवंत सिंह का व्यक्तित्व तो बड़ा शानदार एवं प्रभावशाली था। वे गौर वर्णीय, लंबे एवं सेहतमंद, लेकिन मोटे नहीं, जमा मर्द थे। वे भगत सिंह स्टाइल की मूछें रखते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक रौबदार किंतु मनमोहक मुस्कान तैरती रहती थी। शायद मेरे चेहरे पे भी जो मुस्कान है, ये उन्हीं की देन है। वो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट थे। उनकी आवाज दमदार थी लेकिन वाणी में मिठास थी। आमतौर पर वे खुश रहते थे लेकिन कभी कभी क्रोधित भी होते थे। उस समय हम सब उनसे डर जाते थे। जैसे कि बतला चुका हूँ, पिताजी बहुत मेहनती थे। एक दिन में 10-10 जोड़े जूते बना लेते थे। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, एक दिन में 10 जोड़े जूते बना लेना। इसलिए उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपना खुद का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए उन्होंने अपने विवाह के कुछ समय बाद मेरे मामा से कुछ पैसा उधार भी लिया था, जो उन्होंने जल्दी ही लौटा दिया। पिताजी की वो धूम्रपान यानी हुक्का बीड़ी के अलावा कोई लत नहीं थी, इसलिए उनके पास जवानी के दिनों में उनके हाथों में रुपए खेलते थे। उन्होंने जो मकान बनाया था वह उस जमाने में हमारी जाति की हैसियत से के लिहाज से काफी अच्छा था। इस मकान में एक बड़ी बैठक, जिसमें पिताजी अपनी मोचीगिरी की दुकान चलाते थे और सोते थे, बड़ी बैठक थी। पिताजी
पिताजी ने अपनी उसी श्रम साध्य कमाई से हम सब की परवरिश की, हम सब को पढ़ाया लिखाया, मेरे दो बड़े भाइयों और मेरी बहन के विवाह किए। लेकिन बाद में देश में बड़े बढ़ते औद्योगिकरण की मार के चलते, ये बड़ी नोट करने का पॉइंट है, औद्योगिकरण की मार के चलते तमाम परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों के साथ साथ मोदीगिरी का पेशा भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। इसी कारण अधेड़ अवस्था में मेरे पिता कंगाल हो गए। यह वह समय था जब हम तीन छोटे भाई बहन खड़े हो रहे थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। जाहिर है इस स्थिति का दुष्प्रभाव हमारे अध्ययन के दिनों पर जबरदस्त रूप से पड़ा और हमें झेलना पड़ा। थोड़ा सा मेरी माँ के बारे में बताता हूँ। मेरी माँ शांति देवी थोड़े छोटे कद की, साधारण नए नक्श वाली, गौर वर्णीय एवं भारी शरीर वाली शक्तिशाली महिला थी। उनका रंग हालांकि शुभ्र गोरा था, लेकिन चेहरा थोड़ा पक्के रंग का हो गया था, जो शायद अत्यधिक श्रम साध्य जीवन के कारण ऐसा हो गया था। मेरी माँ का व्यक्तित्व भी पिताजी की तरह काफी दमदार था। उनके व्यक्तित्व में कठोरता तथा लचीलापन दोनों शामिल थे। मुझे बचपन की वे झलकियां कभी नहीं भूलती, जिनमें मेरी माँ लोकगीत गाते हुए दूध बिलोती, मिट्टी के चूल्हे में स्वादिष्ट साग रोटी बनाती, मेरे जगने पर मुझे लाड लड़ाती, मक्खन चटाती दिखाई देती हैं। वैसे तो उनका व्यवहार सबके प्रति प्रेम पूर्ण होता था, किंतु विवाद होने पर वे बड़े बड़ों से भिड़ भी जाती थी। एक हरियाणवी व्यक्ति, खासकर जाट, अक्सर बुढ़ापे में अपनी पत्नी के हाथों जाकर सीधा होता है। ठीक वैसे ही मेरे पिता भी वृद्धावस्था के दिनों में मेरी माँ की खरी खरी बातें सुनने लगे थे। वस्तुतः उन दोनों में बहुत गहरा प्रेम था, जो ऊपर से कभी कभी ही नजर आता था। वे मेरे पिता के सुख दुख की सच्ची साथी थी, साथ ही हमारी सच्ची संरक्षिका थी, जिसने खुद मेहनत मजदूरी करके हमारी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। मेरी माँ काफी बुद्धिमान थी, अनपढ़ होने के बावजूद वे उंगलियों पर हिसाब किताब लगा लेती थी। उन्हें देसी महीनों का महीने तो याद थे ही, हमारी देखम देख अंग्रेजी के दिन महीना तारीख भी उन्होंने याद कर लिए थे। उन्होंने ही सोच विचार कर मेरा नाम रखा था सरवर कुमार। अब कुछ समय बचा है तो कुछ और एक्सेप्ट पढ़ता हूँ। हाँ, तो मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा अपने बचपन की यादों का। 1977 के चुनाव का मैं थोड़ा जिक्र करूं। 1977 के चुनाव से जुड़ी हुई एक दो बातें मुझे याद आती हैं, जो मुझे पूरे जो मेरी राजनीतिक चेतना को भी उस जमाने में बचपन के दिनों में इंगित करती है। उन्हीं दिनों किसी विवाह आदि के सिलसिले में मुझे अपने माता पिता के साथ मेरे मामा के गाँव उथल चना जाना पड़ा। झज्जर की बस यात्रा मुझे अच्छी तरह याद है। जैसी बस रोहतक शहर से पुराने बस अड्डे से चलने लगी, मुझे लगा कि रास्ते में आने वाले घर, पेड़, खंबे सब पीछे भाग रहे हैं। चलो छोड़ देता हूँ थोड़ा आगे जाकर। जिस विवाह में हम शामिल हुए उसकी ज्यादा मुझे बातें याद नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे याद है, जो अच्छी तरह याद है, वह है मेरे मामा बनवारी के घर लगे कांग्रेस पार्टी के ढेर सारे पोस्टर, जिनमें एक पोस्टर में मुझे अभी याद है इंदिरा गांधी का बड़ा सा फोटो लगा था और नीचे नारा लिखा था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इस बारे में, इस नारे के साथ ही बड़ा सा हाथ का पंजा, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह था, छपा था। सच कहूं तो वे पोस्टर मुझे बहुत ज्यादा अधिक अखरे थे और मुझे अपने मामा की राजनीतिक पसंद को देखकर बड़ी खीज हुई। दरअसल मेरे जो परिवार था, मेरे माँ बाप थे, मेरे पिता खासकर, वो उस जमाने में जनता पार्टी जो उस समय बनी थी इमरजेंसी के बाद, वो उसके फैन थे। तो बाल बुद्धि के उन दिनों में मुझे यह लगा था कि मामा बनवारी का परिवार कैसी गुलाम मानसिकता से ग्रस्त है। बेशक मेरी यह सोच मेरे परिवार की राजनीतिक पसंद नापसंद से प्रभावित थी। यह बात मुझे बाद में जाकर समझ में आई कि कांग्रेस पार्टी दलित तथा कमजोर वर्गों में कितनी गहरी पैठ रखती है। मैं आप थोड़ा स्कूल की बातें आप शेयर करना चाहूंगा। बेशक हमारा, मैं हाई स्कूल की बातें कर रहा हूँ, बेशक हमारा स्कूल बड़ा शानदार था, जहाँ उन दिनों के लिहाज से सभी प्रकार की सुविधाएं थी।
सरकारी स्कूल होने के बावजूद हमारा स्कूल शहर के अच्छे स्कूलों में शामिल था। इसमें आज की तरह सिर्फ दलित वर्ग के छात्र नहीं पढ़ते थे बल्कि सभी जातियों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। इनमें हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल गुगन सिंह जाट समुदाय से संबंधित थे, यह प्रिंसिपल मुझे बड़े ही प्रबुद्ध लगते थे। वे सुबह सुबह प्रार्थना सभा में अक्सर आकर कोई भाषण देते थे, कक्षाओं का राउंड लेते थे और खाली क्लास होने पर बच्चों को स्वयं पढ़ाने लगते थे। मुझे वह दिन कभी नहीं भूलेगा जब एक बार राउंड लगाते हुए हमारी क्लास में आए थे और खाली पाकर हमें बड़े अपने कार्यालय में बुला लिया था। उनके कमरे में कई महापुरुषों के फोटो शीशे में के फ्रेमों में लगे हुए थे। उन्होंने कुछ पढ़ाने से पहले हमें उन महापुरुषों की ओर इशारा करते हुए उनके बारे में पूछना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि के बारे में तो लगभग सभी बच्चों ने बता दिया, लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र की ओर उन्होंने इशारा किया तो मेरे सिवाय किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा तो मैंने तपाक से उत्तर दिया, जी ये डॉक्टर अम्बेडकर हैं। शाबाश, अच्छा बताओ इन्होंने क्या किया था? जी भारत का संविधान बनाया था। वेरी गुड, तुम हरिजन हो? जी सर। हालांकि उन्होंने मेरी जाति के बारे में पूछा था, लेकिन जिस स्नेह भाव से उन्होंने मुझसे वे सवाल पूछे थे उसके चलते मुझे बुरा नहीं लगा। उस दिन उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझे 2 लड्डू इनाम में दिए थे। उस दिन मैं हवा में उड़ता रहा। पिताजी द्वारा बैठक में लगाई गई बाबा साहेब की फोटो तथा उसके बारे में बताई गई बातें आज मुझे इतनी इज्जत दिलवाएंगी यह मैं सोच भी नहीं सकता था। परंतु अब थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है, परंतु जो प्यार, अपनापन, सम्मान मुझे प्रिंसिपल साहब ने दिया था, दुर्भाग्यवश अन्य अध्यापकों ने वह कभी नहीं मिल सका। इसके विपरीत अन्य अध्यापकों ने तो कुछ ऐसे अनुभव कराए जिन्होंने मेरे स्वाभिमानी मानस को बार बार कुचला। इन्हीं अनुभवों में ने मेरे जिद्दी तथा आत्मसम्मानी मेरे जैसे जिद्दी तथा आत्मसम्मानी बालक को क्रमशः हीन भावना से ग्रस्त एक दबू बालक बना डाला। ये अनुभव अध्यापकों के कठोर व्यवहार से संबंधित वैसे अनुभव नहीं थे जो भारत के में सामान्य तौर पर सभी विद्यार्थियों को झेलने पड़ते हैं। ऐसे अनुभव में होमवर्क न करने, ड्रेस न पहनने आने, अनुशासन भंग किए जाने पर होने वाली पिटाई या मुर्गा बनने जैसी सजाएं होती थी जो हमने भी झेली थी। ये अनुभव तो कुछ ऐसे थे जो महान हिंदू महाकाव्य महाभारत के दलित पात्र एकलव्य के को गुरु द्रोणाचार्य के हाथों झेलने पड़े थे। दुर्भाग्यवश द्रोणाचार्य को आज भी आदर्श मानने वाले हमारे देश में कितने ही शिक्षक साक्षात द्रोणाचार्य बनकर दलित बच्चों पर अत्याचार करते रहते हैं। दलित पृष्ठभूमि से उठकर आया शायद ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा होगा जिसे ऐसे अनुभव न झेलने पड़े हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जिस द्रोणाचार्य की औलाद से वास्ता अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा था, उसी के जैसे अध्यापकों से अब मुझे भी वास्ता पढ़ना था। सांझी पृष्ठभूमि के कारण उस नियति को उपलब्ध होने हेतु हम सब अभिशप्त थे। इसे भला मैं कैसे टाल सकता था? उसी स्कूल में बस ये मेरा लास्ट का एक्सेप्ट होगा उसी स्कूल में मुझे एक अन्य द्रोणाचार्य से ऐसा ही क्रूर तथा सही मायनों में कहूँ तो अत्याचार झेलना पड़ा था। उन दिनों मैं 8वीं कक्षा में पहुंच गया था। हमारी इंग्लिश के एक नए मास्टर आए थे, नाम था पंडित भगत राम, जाति के ब्राह्मण और गुरु द्रोणाचार्य की साक्षात मूर्त। ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण जातिवादी हों, मुझे कई ऐसे ब्राह्मण शिक्षक भी बाद में मिले थे जो मुझसे काफी ही अपनत्व रखते थे, लेकिन मास्टर भगत राम की तो रग रग में जातिवाद भरा हुआ था। दलितों से अत्याधिक घृणा करते थे। दलित बच्चों का पढ़ना लिखना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने थोड़े ही दिनों में पता लगा लिया कि हमारी क्लास में चमार चूहड़ों के बच्चे कौन कौन से हैं। ये मैं उन्हीं के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा सपाट किंतु उतना ही सख्त था। विज्ञान विषय पढ़ाते थे। मास्टर भगत राम की नियुक्ति असल में एक अस्थायी शिक्षक के रूप में हुई थी। अच्छे परिणाम देने पर उन्हें स्थायी किया जा सकता था, इसलिए वे बेहद सख्ती से पढ़ाते थे। उनके हाथ में एक मोटा सा तेल पिलाया हुआ डंडा हमेशा रहता था। जो बच्चे एक दिन प्रश्न लिखाना, अगले दिन ही उनको सुन लेना, ये उनकी एक दिनचर्या थी। और जो बच्चे नहीं सुना पाते उनको डंडों से पूरी तरह पीटते थे। वे कम से कम 4 डंडे तो मारते ही थे। केवल हाथों पर नहीं मारते थे अपितु पीठ, जंघा, टांगों, कहीं पर भी डंडे बरसाने लगते थे। मुझे मार खाने से बहुत डर लगता था, विशेषकर उस मास्टर की मार।
इसलिए मैं उनके द्वारा लिखाए गए सभी प्रश्न घर जाकर याद कर लेता था और अगले दिन क्लास में सुना देता था। इस कारण मार से बच जाता था। बाकी की लगभग पूरी क्लास उनसे पिटती थी। जब मैं लगातार पिटाई से बचता रहा तो उनकी नजरों में मैं खटकने लगा। उन्हें मुझे पीटने का कोई बहाना खोजना था। जब कोई बहाना नहीं मिला तो एक दिन उन्होंने अचानक पता नहीं क्या सूझा, उस दिन एक प्रश्न समझाया और फिर अचानक ही उसे पूछ लिया। अब जिसे भी समझ में आया अपने हाथ खड़े करो। किसी भी बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया, मैंने भी नहीं, लेकिन मास्टर को तो मुझसे ही सुनना था। बोले, सर्वर तुम सुनाओ। जी, याद नहीं हुआ। उन्होंने कस कस कर मेरे हाथ पर चार डंडे मारे। डंडों की वह मार स्कूली दिनों में सही सबसे ज्यादा दर्दनाक मार थी, लेकिन इस मार को तो मैं शायद भूल जाता। लेकिन मुझे मारते वक्त जो शब्द उस मास्टर ने मुझे कहे, उसे मैं ताउम्र नहीं भूल सकता। उसने कहा, काला हरामी चमार, किंडल, बहुत ज्यादा होशियार बनता है, आज फंस गया ना। असल में चमारों को हरियाणा में अपमानजनक ढंग से उस जमाने में गिंडल कहा जाता था, जिसका अर्थ मुझे ज्ञात नहीं हो पाया। एक जातिवादी हरियाणवी कहावत थी, गिंडल जात चमारों की, जूती गाठे यारों की। उस मास्टर का एक एक शब्द खंजर की तरह मेरे जहन में गड़ गया। उस रोज मैं पूरा दिन रोता रहा। मन ही मन सवाल पूछने लगा कि मेरा कसूर क्या था। क्या पढ़ाई में होशियार होना भी कसूर होता है? क्या चमार होना कोई मेरा कसूर था? या चमार होकर होशियार होना मेरा कसूर था? तो क्या चमार को होशियार नहीं होना चाहिए? ऐसे कितने ही सवाल मेरे जहन में उठते रहे। उस समय मुझे उनके कोई जवाब नहीं मिले। मैंने उस घटना के बारे में घर में किसी को नहीं बताया और कई वर्षों तक नहीं बताया। बड़े शहरों के बीचों बीच शिक्षा के एक मंदिर में मेरे साथ घटी ऐसी घटना इस बात का ज्वलंत सबूत थी कि जातिवादी एवं दलित विरोधी मानसिकता की जड़ें हमारे समाज में कितनी गहराई से धंसी है। यदि शहर के स्कूल में ऐसा हो सकता है तो गांव के स्कूल में दलित बच्चों के साथ क्या क्या नहीं होता होगा। स्कूलों ही नहीं, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल संस्थानों, IIT आदि हर आधुनिक शिक्षण संस्थान में दलित छात्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आज तक भी होता है। और इसी व्यवहार के कारण कितने ही छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और उनमें से कुछ तो आत्महत्याएं तक कर लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुछ वर्षों पहले कराई गई एक विस्तृत इंक्वायरी में रिपोर्ट में इन तमाम बातों की पुष्टि भी हुई है। उस घटना के बाद पढ़ाई के प्रति मेरी रुचि को काफी धक्का लगा था। मैं धीरे धीरे अंतर्मुखी बन रहा था और आत्महीनता का शिकार होता जा रहा था। बस मेरे ख्याल इतने एक्सेप्ट काफी रहेंगे। यहाँ से मेरी जिंदगी का एक डिफिकल्ट दौर भी शुरू होता है, तो वो लंबी स्ट्रगल है, वो बाकी मैं सस्पेंस के तौर पे रखता हूँ। आप मेरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो सब, लेकिन लास्ट में मेरी जीवन संघर्ष जब पूरा हुआ तो इसमें एक पॉजिटिविटी का भी एक फुट देखेंगे, तो ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आप। तो शुक्रिया, आप सब ने मुझे बड़े ध्यान से सुना। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल एंड आई एम पर्टिकुलरली ग्रेटफुल टू प्रोफेसर मकरंद परागते। थैंक यू। ओवर टू यू प्रोफेसर पुरोहित। प्रोफेसर पुरोहित, बड़े मार्मिक प्रसंग प्रोफेसर चहल ने सुनाए और दिल को छू लेने वाले प्रसंग भी थे, लेकिन जिन प्रसंगों को मैं चाह रहा था उनका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया रहा। बाद में आएंगे सर। और आपने जो वो जो सुनाया कि जब आप गाड़ी में बैठे तो सारे पेड़ मेरे पीछे भाग रहे थे, आपको जान के आप तो कालिदास बन गए। इसमें कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में एक श्लोक लिखा है, यदा लोके सूक्ष्मम ब्रजति सहसा तद विपुलताम। बलराम शुक्ला जी सुन रहे होंगे,
यदर्दे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम इवतः प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो नमे दूरे किंचित क्षणम अपि न पार्श्वे रथ जवात। तो शायद ये अभिव्यक्तियां मनुष्य के कलेक्टिव सब कॉन्शियस में रहती हैं, आपके भी अभिव्यक्ति आ गई। बहुत बढ़िया आपने थोड़ा सा जो इसके प्रसंग सुनाए। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कभी आपके दुखों को कम करने के लिए, जब मैं इंटरमीडिएट में था हमारे एक टीचर मुझसे बहुत चिढ़ता था, वो पढ़ाता भी अच्छे नहीं थे वो और चिढ़ते बहुत थे। एक दिन मैं फंस गया, हमेशा वही होशियार वाला तमगा मुझ पर भी लगा रहता था। एक दिन मैं फंस गया, उसने कहा कि एफिशिएंसी ऑफ लेबर की परिभाषा बताओ। तो मैंने एफिशिएंसी ऑफ लेबर की परिभाषा बताई, उसमें उसने कहा एबिलिटी की स्पेलिंग बताओ। अब एबिलिटी की स्पेलिंग में थोड़ा मैं गड़बड़ा गया, सारे गड़बड़ा गए। तो उन्होंने इतने जोर के 6 डंडे उस छोटी उम्र में मेरे हाथ पे मारे कि मैं बेहोश होके नीचे जमीन पे गिर गया। तो कुछ लोग जो है प्रकृति से ही धूर्त होते हैं, क्रूर होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको ये समझ करके माफ कर देना चाहिए। अब आप ईश्वर कृपा से, मैंने जैसे कहा कि आप दलित ब्राह्मण हैं और इस समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैं अब जो अपने दर्शकों से प्रार्थना करता हूं कि जो भी आप पूछना चाहें प्रोफेसर चहल से पूछें। चहल साहब, मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे लगता है कभी कभी आपने विनम्रतावश ये कहा था कि आपके पास भाषा और शैली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका आपका जो कंटेंट है वो अपनी भाषा और शैली स्वयं तलाश लेता है कई बार। एक बात जो शुरू में आपने कही थी उसके संबंध में मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा ये है कि आपने कहा कि जख्म साहित्य कभी कभी साहित्य कभी क्या साहित्य की प्रकृति ही आपके आपका कोई दुख आपका कोई दर्द जैसे ही साहित्य में आता है वो एक कैथोर्सिस की प्रक्रिया भी है। तो क्या ऐसा होता है कि आपके साहित्य में आने के बाद आपकी जो अनुभूति है वो पहले की अनुभूति से अलग होती है या नहीं होती? ये बड़ा, देखो आपने अपने डिसिप्लिन का सवाल पूछा है और इस पे मैं ज्यादा जानकारी तो नहीं, उतना ज्यादा पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन हाँ मैं अपने अपने तजुर्बे और अपना जो भी मेरी समझ है उसके बेस पे ये जरूर कहूँगा। ऑब्वियसली जो साहित्य है वो एक कला भी है ना। तो कला होने के नाते कभी कभी हम शिल्प का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली उस ओरिजिनल अनुभूति से वो चीजें डिफरेंट तो होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लैंग्वेज देखिए, खैर हमारी तो अपनी मातृभाषा हरियाणवी है। एक बाधा ये भी थी कि हरियाणवी से हिंदी में जब आए, अब मैं तो हिंदी में लिख रहा हूँ तो भी उसमें कुछ कृत्रिमता आएगी, लेकिन अगर मैं हरियाणवी में भी लिख रहा होता तो भी वो मेरी जो रियल भावनाएं हैं शायद उनको उनको देखिए, वो तो एक अभिव्यक्ति ही है भाषा। और अगर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन पोस्ट मॉडर्न जो डिस्कोर्स है इस पे वो ये कहता है कि भाषा जो है चाहे सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, भाषा के साथ देखिए तमाम तरह के पूर्वाग्रह, तमाम तरह की जो माइंडसेट है वो भी साथ में आता है। तो और आज के दौर में, आज की डेट में मेरा जो माइंडसेट है ऑब्वियसली वो उस पर असर डाल रहा है मेरे शिल्प पे, लेकिन फिर भी अब इसका तो कोई पूरी तरह तो टोटल जो रियलिटी है उसको स्केच करना तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी एक समस्या ये भी है कि मैं काफ़ी बाद में लिख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मेरी खो भी गई है। हालांकि एक चीज़ मैं ये कहूँ कि उस ज़माने में मैंने काफ़ी मेमोयर्स लिखे हैं अपने, और कई मेमोयर्स बहुत लंबे लंबे हैं। उन मेमोयर्स को मैं अब दोबारा पढ़ रहा था और इसके कारण मेरी ऑटोबायोग्राफी में ऑथेंटिसिटी लाने की कोशिश करी है। कुछ मेमोयर्स को मैंने एज इट इज इसमें अपेंडिक्स के तौर पर भी स्थान दे रहा हूँ मैं, ताकि लोगों को वो फ्रेश अनुभव, उसी ज़माने के जो अनुभव हैं वो आपको महसूस हो सकें। लेकिन कोशिश है कि उसी यथार्थ को बताया जाए, उसी को सुनाया जाए ईमानदारी से, लेकिन इसमें कहाँ पूरी तरह सफल होता हूँ ये तो बाद में पता चलेगा, आप लोगों को तय करना।
ओवर टू यू डॉक्टर हाडा। और प्रश्न, कोई ऑब्जर्वेशन? हेलो, पता नहीं मुझे इजाजत है कि नहीं इंटरेक्ट करने के लिए। आपका स्वागत है। एक्स फेलो हूँ। स्वागत है आपका। 16 से 18 तक मैं रहा इंस्टीट्यूट में और अभी भी मिस करता हूँ, तो आज अचानक ट्विटर में देखा तो रहा नहीं गया। और एक तो चहल साहब की ये मौजू भी इतनी अच्छी थी कि मैं असम का रहने वाला हूँ, मेरे लैंग्वेज में मोनस मुजक्कर फेमिनिन मैस्कुलिन की प्रॉब्लम आ सकती है, आप लोग जरा झेल लीजिएगा। मुझे बस एक ही चीज कहनी है, और हम लोग इसको लेकर लिटरेचर पे, मेरा काम ट्रांसलेबल लिटरेचर में था जब मैं फेलो था IAS, कि चहल साहब कि आप जो कथा लिख रहे हैं, मैं अफ्रीकन लिटरेचर और चीनी लिटरेचर भी पढ़ाता था, बहुत देर तक अफ्रीका में भी पढ़ाया, तो वहां से मेरे जहन में एक बात आई कि जो आप अपनी कथा जो लिख रहे हैं उसमें कोई यूनिवर्सल चीजें हैं क्या? क्या ये सिर्फ दलित होने की वजह से वहां हो रहा है, या मान लीजिए जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ आसाम में कोई जो है पूरा माइग्रेंट, जो 150 साल पहले कोई दादाजी उसके आ गए थे काम करने के चक्कर में, लेकिन आज वो PCS ऑफिसर भी बन गया, लेकिन उसका चपरासी भी कह देगा बांग्लादेशी हो, जबकि वो PCS ऑफिसर बन चुका है, उसके परदादा आए हुए थे आसाम में कभी, या कोई दूसरे पटल में ले जाए किसी महिला हो तो उनके, तो कहने का मतलब ये है जो डिसएडवांटेज होता है क्या ये यूनिवर्सली हमेशा होता है? इज देयर एन यूनिवर्सल रूल दैट वेयर बाय the power exerts on the people on the periphery, जो लोग हाशिए में हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा हाथ है। तो मैं जवाब दूं? जी जी बिल्कुल। हाँ, बड़ा बड़ा मौजूद बड़ा सवाल है। चहल साहब से मेरा निवेदन है कि इसमें एडवर्ड सईद का अदराइजेशन भी जोड़ना है। अदराइजेशन? हाँ ठीक है। देखिए देखिए, असल में मैंने, क्योंकि मैं दलित स्टडीज का स्टूडेंट भी हूँ, मैं खुद खुले पे भी काम कर रहा हूँ और अम्बेडकर पे भी मेरा काम है, तो असल में जब दलित प्रॉब्लम को मैं पढ़ा तो उस समय ये पाया कि असल में दलित प्रॉब्लम कोई ऐसा नहीं कि इंडिया में ही कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ दलित प्रॉब्लम की बात करूँ, वैसे इससे बिल्कुल हूबहू मिलती हुई प्रॉब्लम दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी रही है, और वो सब बैकग्राउंड मेरे जहन में है। जैसे जापान में एक कम्युनिटी होती थी जो कि आज भी जो है, जो नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, तो उनके बारे में मैंने पढ़ा, जो अनटचेबल्स की तरह होते थे। इसी तरह अब फ्रांस में एक ऐसी कम्युनिटी होती थी जो अनटचेबल्स की तरह ट्रीट की जाती थी। इसी तरह जो ब्लैक प्रॉब्लम है, ये हालांकि दूसरी तरह की है लेकिन उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन का एक खास फॉर्म होता है मिलता जुलता, इसको भी मैं पढ़ चुका हूँ। और ये जो आपने जैसे बांग्लादेशी वाला इशू उठाया या जो जेंडर वाला इशू उठाया, ऑब्वियसली इन सब को भी मैं समझता रहा हूँ और इन सब के कंटेक्स्ट में दलित प्रॉब्लम को मैं रिलेट समझने की कोशिश करता हूँ। असल में देखिए, सारी जितने भी प्रॉब्लम है ये, उनकी बैकग्राउंड में मेरी समझ में एक ही चीज़ है, शायद आप इससे एग्री करेंगे, वो है एक खास प्रकार का बायस। असल में समस्या समस्या है बायस की, समस्या है पूर्वाग्रह की। हमने इस संस्कृति के खरपतवार के तौर पर तरह तरह के पूर्वाग्रह बना रखे हैं, दुनिया के हर हिस्से में है, दुनिया के हर, भारत के हर हिस्से में है, ये दुनिया में भी है, हर संस्कृति में, हर प्रांत में, तो इन पूर्वाग्रहों का कोई अंत नहीं है। जैसे एंटी मुस्लिम बायस आजकल हम काफी देखते हैं, ऐसे ही एंटी दलित बायस है, एंटी ट्राइबल बायस है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, आप जानते हैं उनको कई बार चाइनीज कह के उनके साथ क्या क्या नहीं किया जाता, तो इन सब के पीछे देखो आई अज्ञानता है हमारी, ये जो पूर्व है जो बहुत गहराई से धसे हुए हैं, असल में ये कल्चर से आए, मैं इसको कल्चर का खरपतवार कहता हूँ, कल्चर की अनिवार्य बुराई कहता हूँ। तो ये माइंड सेट जो है, ये तो बदलना आसान नहीं, क्योंकि ये ऐतिहासिक प्रॉब्लम है, सदियों पुरानी है, मैंने खुद कहा है इसको खत्म होने में भी इतिहास ही लगेगा। तो एक चीज़ ये है, मैं इसके इन सभी प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में दलित प्रॉब्लम को समझता हूँ, लेकिन फिर भी दूसरी एक चीज़ मैं जरूर कह दूँ, दलित प्रॉब्लम है एक यूनिक प्रॉब्लम भी। मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, ना किसी से इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ा के बता रहा ना घटा के, लेकिन ये प्रॉब्लम एक यूनिक प्रॉब्लम है, ये अनुभव बिल्कुल ही अलग तरह का अनुभव है,
ये एक बड़ा ही अपमानजनक अनुभव है जिसको बताने का मन नहीं करता। आपने नोट किया होगा शायद, जब मैं बता रहा था उस मास्टर का जो अत्याचार मेरे ऊपर हुआ और उसने मेरी जात को लेके जो रिमार्क्स किए, मैं खुद इमोशनल हो गया। सच कहूं तो ये चीज मैंने कभी बरसों तक किसी को नहीं बताई। अभी अपना अपमान कौन बताना चाहेगा? आप एक अपमान से गुजर चुके हो, कैसे बताओगे उसको? ये बड़ा भारी पीड़ादायक अनुभव है। इस अनुभव को महसूस करना हम सब के लिए, वो प्रोफेसर परांजपे जो कह रहे थे कि गैर दलित इसको महसूस नहीं कर सकता, तो इस पे डिबेट है, काफी डिबेट है, मैं भी इस डिबेट से गुजरा हूँ। ऑब्वियसली गैर दलित भी इसको महसूस कर सकता है, लेकिन मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी चाहिए, जो आनी बड़ी बड़ी बहुत एक लेटर स्टेज है, बड़ी एक मैच्योर स्टेज होगी। मेरी क्लास में एक बच्चा पढ़ता था एमए के दिनों में, हम बड़े अच्छे मित्र थे, वो ऊंची जात से था, लेकिन ये जो आरक्षण विरोधी आंदोलन चला, मंडल आयोग जब लागू किया गया, उस सारे दौर मैंने देखा पढ़ाई के दिनों में, तो हमारे बीच में कटुता आ गई, अचानक ही हमारे बीच में दीवारें खड़ी हो गई। उस बच्चे ने एक दिन मेरे से कहा लाइब्रेरी में कि अपने माँ बाप से कहना कि मुझे गोद ले ले, तो ताकि मुझे भी आरक्षण मिल जाए। मैंने उससे कहा कि भाई मैं अपने माँ बाप को तो चाहे समझा भी लूंगा, आपको गोद भी ले लेंगे, लेकिन जरा एक दिन मेरे घर में रह के तो देख लेना, मेरे घर में रह के देख एक दलित किन हालातों में रहता है, कितनी पीड़ाओं से गुजरता है, कितने अभावों में उसको जीना पड़ता है, कितना इंसल्ट वो झेलता है, एक दिन मेरे पास मेरे घर में रह के देखना। तो अब देखिए, उस बच्चे को पता था मैं बहुत गरीबी में जी रहा हूँ, मेरे सारे बच्चे जानते थे, फिर भी उसने ऐसी टिप्पणी करी। ऐसी टिप्पणी हम आज भी कर देते हैं। तो उस लेवल पर देखिए, उस लेवल तक पहुंचना असल में दलित ऑटोबायोग्राफी का भी यही उद्देश्य है। हम कोई अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहते दुनिया के आगे, इसका उद्देश्य यही है कि सभ्य समाज में गैर दलितों में जो पूर्वाग्रह है, अभी भी पढ़े लिखे लोगों में भी, वो भी कह देते हैं आपको आरक्षण मिल गया, आप तो बात खत्म हो गई, लेकिन आपका माइंडसेट तो नहीं बदला है ना। तो वो संवेदनशीलता जगाना हमारा उद्देश्य है। तो ये प्रॉब्लम एक यूनिक प्रॉब्लम भी है मायनों में, मेरे ख्याल आप संतुष्ट होंगे। जी 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 बिल्कुल, मुझे इंतजार रहेगा, ये पब्लिश जब होगी तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और मुझे खुशी होती है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बहरुल इस्लाम, प्रोफेसर बहरुल इस्लाम। धन्यवाद सर, आपने भाग लिया हमारे इस डिस्कोर्स में इतनी दूर से। अब और कोई अपना ऑब्जर्वेशन या प्रश्न पूछना चाहते हो, स्वागत है। मैं एक ऑब्जर्वेशन सवाल रखना चाहता हूँ। आपने अपने बचपन में स्कूली शिक्षा का अनुभव बताया, तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों के, पता नहीं आपके बच्चे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके अनुभव और आपके अनुभव में आप कुछ फर्क देखते हैं क्या? मैं ये सवाल खास इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोरट साहब के किताब में उन्होंने काफी एक आर्टिकल, बहुत जबरदस्त आर्टिकल है स्टडी का, कि किस तरह अगर आप सारे डिप्रिवेशंस को इक्वलाइज कर देते हैं। असल में प्रोफेसर परांजपे ने भी, सुब्बू जी मार्क्सवादी हैं, मुझे नहीं पता था। वो तो सुब्बू जी को भी नहीं पता। प्रोफेसर परांजपे ने भी असल में ये बात बताई थी अपने प्रीलिम्स में, तो उन्होंने दूसरी पीढ़ी का जिक्र किया था। तो असल में मेरे भी बच्चे हैं, और मेरे बच्चे जो दूसरी पीढ़ी है, खासकर जो मिडिल क्लास के जो दलित हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी काफी तैयार हो रही है बहुत धीरे धीरे। और उनका एक्सपीरियंस क्या होता है जरा मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो मेरी आवाज सुनी जा रही है ना सभी द्वारा? जी ओके। देखिए मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ, हालांकि मेरे बच्चे एक प्रोफेसर के बच्चे हैं, इसलिए उनको तमाम सुविधाएं मैंने दी, और अच्छे स्कूल में अच्छी जगह हमने उनको पढ़ाया है, नो डाउट। मेरा बच्चा NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से पढ़ा है, अभी अभी उसने ग्रेजुएट किया है वहाँ से BTech। लेकिन उनके तजुर्बे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब हम
जाते थे, मैं अपने बच्चों को छोड़ने जाता था कई बार गाड़ी में, क्योंकि मेरे पास गाड़ी आ गई। ओके, कई बार मैं छोड़ने जाता था या कई बार मेरा बेटा खुद भी जाता था, तो लोग पीछे से हमने बात करते सुने हैं, लोग ये कहते थे ये देखो चमारों के बच्चे आजकल गाड़ियों में जा रहे हैं। ये चीजें मेरे मेरे बेटे ने खुद सुनी है। अब मैं NIT की बात कर दूं, NIT में आप जानते हैं रैगिंग वैगिंग ये सब चीजें इनमें काफी ज्यादा होती है। ये तो मेरा बच्चा लकी रहा कि उसको जो है डे स्कॉलर था, क्योंकि यहीं पे NIT है और वो उस अनुभव से गुजरा नहीं, लेकिन उसने कई ऐसे अनुभव बताया है कि वहां जो लोग जो दलित बच्चे होते थे हॉस्टल्स में, उनके साथ किस तरह का अपमानजनक व्यवहार हुआ है। खैर, इवन मैं एक चीज और कह दूं, मेरे बच्चे के साथ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने कहा हम काफी प्रोटेक्शन में रखते थे, खुद छोड़ के आते थे, खुद लेके आते थे, बहुत ज्यादा वास्ता भी नहीं रखा दोस्तों, बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं बने उसके, और शायद ही अच्छा ही रहा, वरना उस ट्रोमा से उसको और ज्यादा गुजरना पड़ता। लेकिन इवन मैंने ये भी महसूस किया है कि प्लेसमेंट जब हो रहे थे, उन प्लेसमेंट में भी दलित बच्चों को कहीं कम क्या कहेंगे बेहतर अपॉर्चुनिटीज दी गई। क्योंकि एक वाक्य तो मेरे मेरे बच्चे के, मैंने उसको समझाया ऐसी बात नहीं है, हम उसको यही समझाते रहे कि तुझे दलित होने के कारण ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसको ये महसूस हुआ और हमें भी पता था ये बात वही है। एक जगह वो फाइनल राउंड तक पहुंच गया था और बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन लास्ट स्टेज पे जबकि सब लोगों ने उसको एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया, लेकिन लास्ट स्टेज पे पता नहीं क्यों उसका नाम ड्रॉप कर दिया गया, और ड्रॉप तो कर दिया गया, चलो कोई बात नहीं, इवन उस पे एक बहुत भारी बड़ा एक ब्लेम लगा दिया गया, क्या कहेंगे डिसिप्लिन भंग करने का। अब ये चीज हमें कभी समझ में नहीं आई ऐसा हुआ क्यों, उस बेटे को, मेरे बेटे को आज तक भी समझ नहीं आता कि वो इतना अच्छा ऑफर उसके हाथ से क्यों निकला और वो ब्लेम क्यों लगा उस पे। मैं तो अपने खुद के अनुभव बता रहा हूँ, असल में ये मैं फिर कहूंगा, ये सर मेरी बात, मेरी आवाज सुन रहे हैं? शुभ सर, हाँ जी, असल में ये प्रॉब्लम सदियों पुरानी है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, ये ऐतिहासिक सेंसिटिविटी मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। मैंने असल में इस ड्रेस ऑटोबायोग्राफी में भी एक नई चीज आपको ये भी देखने को मिलेगी, मैंने इस दलित प्रॉब्लम को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में रख के समझने का प्रयास किया है। हालांकि लिटरेचर है ये हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मेरे हिस्ट्री स्टूडेंट होने का ना या टीचर होने का या रिसर्च होने का असर इस पर ये जरूर पड़ा है कि जो अनुभव हमें हो रहे थे, जैसे अब हमें गरीबी के कारण हम आपस में ही हमारे समाज में इतनी कटुताएं थी, परिवार में इतनी कटुताएं थी, वो सब चीजें अब मैं एक लेमैन की तरह लिखता तो मैं अपने भाइयों पे, अपने रिश्तेदारों पे, परिवार वालों पे ब्लेम डाल सकता था, लेकिन असल में उस कारण तो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कारणों को हम क्यों नहीं खोजते कि उस ऐतिहासिक कारणों के कारण वो माहौल बना जिसके कारण वो सब चीजें हुई, तो कसूर इंडिविजुअल्स का नहीं है यहाँ, कसूर तो उन ऐतिहासिक परिस्थितियों का है जिनको बदलना पड़ेगा हमें, और उनको बदलने में इतना जल्दी ये चीजें नहीं होने वाली, उसने में ऐतिहासिक प्रयास करने होंगे, समय लगेगा, हम सबको प्रयास करने हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप सब भी प्रयास कर रहे हैं, हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, तब ये समस्याएं मिटेंगी। ओवर टू यू सुबु सर। नो थैंक यू, मैं ये समझना चाहता था, दरअसल एक तो ह्यूमिलिएशन के इश्यूज हैं, मुझे लगता है लर्निंग डिसेबिलिटी पैदा करते हैं ये जो ट्रीटमेंट है और ये जो एटीट्यूड्स हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ, स्कूली शिक्षा से, ये लर्निंग डिसेबिलिटी पैदा करते हैं दलित बच्चों में और उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये एक्चुअल समस्या है। ह्यूमिलिएशन तो एक बहुत बड़ा इश्यू है, पर उससे भी बड़ा एक बच्चों में आत्मविश्वास खत्म कर देना सीखने के प्रति, जैसे आपने अपने अनुभव में बताया, ये एक बहुत बड़ा इश्यू। थैंक यू। थैंक यू प्रोफेसर बलराम शुक्ला, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं सर को मैं बधाइयां देना चाहता हूं सर को, बहुत अच्छा कार्य इस लॉकडाउन में पूरा किया, और हम प्रतीक्षा करते हैं कि सर का जो सर की आत्मकथा जो है वो यथाशीघ्र प्रकाशित होगी और हम उसको पढ़ेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे उनके यहाँ के अवस्थान। बहुत बहुत बधाइयां सर।
अच्छा, मुझे एक चीज कहनी थी, अगर आपको बुरा न लगे। आपका जो भाषा है वो बलराम जी जैसे भाषा थी, थोड़ा ज्यादा संस्कृत निष्ठ लगा मुझे। तो एक आम हरियाणवी समाज के, दलित समाज के व्यक्ति इस भाषा से कितने परिचित है मुझे नहीं मालूम, आप ज्यादा जानते हैं शायद। भाषा मुझे, मैं मद्रासी हूँ फिर भी थोड़ा क्लिष्ट लगा। धन्यवाद सुबू साहब, बहुत बढ़िया चर्चा हो रही। और कोई प्रश्न? प्रोफेसर हितेंद्र पटेल। ये सर, सबसे पहले हमारे मित्र प्रोफेसर चहल को मुबारकबाद। बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, मैं अभिभूत हूँ कि हम लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं कि सिर्फ जो ऑफिशियल काम है वही नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ में एक बोनस भी हम लोगों को दे रहे हैं, और ऐसा बोनस जो हम लोगों को सोचने के लिए विवश करे। अभी सुबू साहब ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ जोड़ी है, और मैं चाहता हूँ सर थोड़ा दो कुछ समय है सर कि अभी सॉरी मैं सुन नहीं पाया। समय है? हाँ, अभी 15 मिनट है सर। अच्छा अच्छा, प्रोफेसर परांजपे ने अपने बातचीत में एक बहुत ही बढ़िया जगह पैदा की थी इस दलित के संदर्भ में एक एक बहस की। और कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि प्रोफेसर परांजपे हमारे डायरेक्टर हैं, ये हमारे लिए वरदान है, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो अगर हम लोगों के लिए सुलभ होते तो हम लोगों के लिए सचमुच बहुत वरदान होते, क्योंकि जिस तरह की बातचीत वो करते हैं और जिस तरह के सवाल वो इन दिनों उठा रहे हैं, संयोग से हम लोगों के बीच में भी चर्चा उनसे ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आज भी उन्होंने जो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रसंग उठाए हैं उसको, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि दलित का मसला जो है वो एक्सपीरियंस वर्सेस थियरी की बात कर रहे थे और उन्होंने गोपाल गुरु का संदर्भ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और ये सुबू साहब ने जो ह्यूमिलिएशन के बड़े प्रसंगों को यहाँ इसमें जोड़ा है, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप, हालांकि आपने इसको फाइनल कर लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने अपनी 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 भूमिका में अगर स्थान दे सकें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि संयोग से प्रोफेसर तुलसीराम की जो आत्मकथा है उसको मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है एक लेख लिखने के संदर्भ में, और मैं बार बार मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि एक प्रोफेसर जेएनयू का जब अपने पुराने दिनों के प्रसंग को उठा रहा है तो कहाँ तक वो उठा पा रहा है और कहाँ कहाँ वो ह्यूमिलिएशन को इस रूप में रख रहा है जिससे कोई बड़ा स्टेटमेंट बनता हो। जैसे एक हमारे असम के प्रोफेसर साहब जो हमारे यहाँ फेलो थे, उन्होंने भी इसका यूनिवर्सल साइड देखने की कोशिश की, और प्रोफेसर पुरोहित ने अदराइजेशन वगैरह की जो बात की, वो सारे प्रसंगों को भी हम लोग इसमें स्थान दे सकते हैं, क्योंकि ये आप मानते हैं कि दलित जो आत्मकथा होती है और दलित के जो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे तरह के डिप्राइवेशंस जैसे मामले नहीं है, उसमें कुछ कुछ और भी होता है, और वो जो चमरवा कहलाना या चमरवा का बेटा जो है अब बड़का हो गया है, इस तरह की बात सुनने का दंश जो है जिसको आप महसूस कर रहे थे जब आप उस प्रसंग को सुना रहे थे, ये मामूली हम सभी लोग ह्यूमिलिएशंस के माध्यम से या ह्यूमिलिएशन को फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये कोई कोई ये एक्सक्लूसिव मामला दलित का नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे दंश होते हैं जो दलित के अपने दंश होते हैं, और उसकी स्मृति जो है वो ऐतिहासिक स्मृति से आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये मामूली काम नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब आप उसकी भूमिका लिखें तो गुडी गुडी टाइप से लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि गुडी गुडी जिसको होता है ना कि सभी लोग आए, आप भी आए, हम भी आए,
अच्छी बातें करें, अच्छा निर्माण करें। ये मुझे लगता है कि दलित आत्मकथा लिखने वाले या दलित प्रसंग की चर्चा करने वाले लोग जब मध्य वर्ग के हो जाते हैं तो वो मध्य वर्ग में जुड़ने की एक लालसा से चालित हो जाते हैं और उन लोगों का अपमान करते हैं जो लोग मध्य वर्ग तक अब तक नहीं आ पाए थे, जो उनके समुदाय से थे। तो ये जो एक जुड़ने की लालसा होती है, जिसे राजपे साहब ने कहा कि एक पॉजिटिव ऑटोबायोग्राफी होती है दलित और एक निगेटिव होती है, मुझे लगता है कि ऐसा समय है हमारे पास कि हम दलितों की उन तमाम चीखों को सुने और चीखों के पीछे जो दर्द है, उसके ऐतिहासिक जो उसके रूप हैं, उसके प्रति सचेत हों। और आप खुद भी कहते हैं कि जब कोई अपने आप को दलित कहता है तो वो उससे उसका कोई अपमान नहीं होता है। दलित ने अपने को दलित नहीं बनाया है। इसलिए अगर आप अपनी पीड़ा को ऐतिहासिक पीड़ा के साथ जोड़ना चाहते हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ये ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का लक्ष्य जो है वो अपने आप में एक किस्म की इन्फीरियोरिटी को कैटेगरी के हिसाब से पैदा करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हम स्मृति की बात करें तो हम उस मेहनतकश जो 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 लोग हैं जो दुर्भाग्य से दलित कैटेगरी की स्मृति लेकर चलते हैं, उस स्मृति को भी उतना ही गौरवपूर्ण माने जितना कि जो गैर दलित है उनकी स्मृति। और ये काम अभी दलित साहित्य को करना है। ये सिर्फ दलितों का दायित्व नहीं है बल्कि सबका दायित्व है कि हम उस मेहनतकश लोगों की ऐतिहासिक स्मृति को उतना ही सम्मान दें जितना कि हम लोग दूसरे तरह की स्मृति को देते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध कर सॉरी ये जो दलित ब्राह्मण शब्द है ना, ये शब्द असल में प्रोफेसर पुरोहित ने यूज किया। वो मजाक में ये शब्द यूज कर रहे थे सवेरे, और मैंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका जिक्र किया है ये, लेकिन मैंने किसी और कंटेक्स्ट में किया है और उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में। मैं जिंदगी में कभी दलित, सुनो मेरी बात, सुनो सर, प्रोफेसर पटेल, मैं सुन रहा हूँ। हाँ प्रोफेसर पटेल, आप सुनो, थोड़ा सा बीच में कुछ बोलने लगे। मैंने दलित ब्राह्मण शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो असल में दया पवार की ऑटोबायोग्राफी में ये शब्द आया है, और वो एक जगह ये कहते हैं कि लोग मुझे दलित ब्राह्मण कह के गाली देने लगे। देखिए इसका कोनोटेशन समझिए आप, दलित ब्राह्मण जब हमें कहा जाता तो ये गाली है, और इसी रूप में मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। मैं दलित ब्राह्मण नहीं होना चाहता, लेकिन हाँ प्रोफेसर पुरोहित मुझे दलित ब्राह्मण बना देना चाहते हैं वो अलग बात है। तो अब मैं थोड़ा सीरियस इशू उठाता हूँ, जो आपने मिडिल क्लास का इशू, मैं तो चाहता हूँ मनन आपको ना ऐसे हो नहीं सकता, वो फिर सारा दलित डिस्कोर्स का जो है ना सारा टारगेट ही ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि हमें ब्राह्मण को सम्मान नहीं दिलाना, हमें दलित को सम्मान दिलाना। तो सर सुनिए, मैं आपके सीरियस इशू पे आता हूँ। पटेल साहब, आपने मिडिल क्लास का जो सवाल उठाया और जो प्रोफेसर परांजपे ने भी उठाया अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, उसकी जरा बात कर दो। अब परांजपे ये साहब ये कह रहे थे कि सारे दलित का एक ही लक्ष्य होता है, मिडिल क्लास में शामिल होता है। देखिए असल में ये खास वेस्टर्न शब्दावली का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शब्दावली से हम भी ये कॉलोनाइजेशन हो रखा है बहुत जबरदस्त हमारा, कि हम कुछ ये जैसे क्लास का जो कंसेप्ट है कि हम मिडिल क्लास होना चाहते हैं। असल में मिडिल क्लास होना दलित का लक्ष्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जो समाज में ऑपरेशन का शिकार है या समाज में गरीबी का शिकार है, उसका लक्ष्य यही होता है कि वो जीवन को बेहतर बनाए, अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ ऊपर उठे। उसकी वो हमेशा तो गरीब नहीं रहेगा ना, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे दलित हो। हमारा लक्ष्य मिडिल क्लास में घुस के मिडिल क्लास के आइडियलिज्म को पाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है बेहतर जीवन। ये शब्दावली मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि हम मिडिल क्लास होना चाहते हैं। असल में लक्ष्य है एक बेहतर जीवन, एक सम्मानजनक जीवन, जिसमें आर्थिक रूप से भी आप सक्षम हो, सामाजिक रूप से भी सम्मान मिले, हर दृष्टि से एक सभ्य समाज
में आप प्रवेश कर सकें, ये है मेरा एक दलित का टारगेट, मेरा भी यही टारगेट है, हम सब का यही लक्ष्य है। और जब एक दलित अपनी अस्मिता से, एक दलित अपनी अस्मिता के साथ ही समाज में प्रवेश करता है, तो वो अपनी दलित पहचान को, कोई उस पहचान को कोई भुलाना नहीं चाहता, वो सिर्फ एक चीज चाहता है कि ये समाज में जो दलित के बारे में जो पूर्वाग्रह है जो चल रहा है अभी भी, वो पूर्वाग्रह खत्म हो। असल में तो वो सब कुछ भुला देना चाहता है। मैं खुद ये कह रहा हूं, मैं ये लिखना नहीं चाहता था, लेकिन समाज में समस्या बनी हुई है एंड जो नॉन दलित है उनमें ये समस्या बनी हुई है, तो उनको समझाना, उनके सामने ये रखना कि ये अनुभव कितना ट्रॉमेटिक है, ये दलित ऑटोबायोग्राफी का उद्देश्य है। और दो तीन चीजें आप क्षमा चाहता हूँ प्रोफेसर चहल, अब टाइम भी समय हो रहा है और ये जो समय मुझे दिया गया है 5 बजे तक का है, ठीक है। तो आपसे बहुत सुंदर इसमें चर्चा हुई और ये शब्द मिडिल क्लास और ये सारे शब्द जो ये एक भ्रम जाल है, शब्दों का भ्रम जाल है। असली बात ये है कि हमारे दलित लोग पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत इतिहास में बहुत कमजोर रहे हैं, इसलिए उन पे उनका शोषण हुआ है, उन पे अत्याचार हुए हैं। और हमारी जो ये जो है वेलफेयर गवर्नमेंट कई सालों से चल रही है, ये बहुत बड़ा काम कर रही है दलितों का आर्थिक स्तर बढ़ाने की, उनको पॉलिटिकली एम्पावर करने की, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी ये सब भ्रमजाल है कि मिडिल क्लास एंड एग्जिट एंड एंट्री एंड सो मेनी अदर। असली बात यह है कि दे हैव टू बी पॉलिटिकली इम्पावर्ड एंड इकोनॉमिकली इम्पावर्ड। तो आपकी बायोग्राफी बड़ी काम आएगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, और एक दो प्रेम प्रसंग जरूर जोड़िए इसके साथ ही इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। ये हम लोग का भी हम लोग की तरफ से भी में एक बस एक छोटा सा, आपने जो सवाल उठाया ना पहले भी उठाया, ये प्रेम प्रसंग वाला जो मामला है मेरी जिंदगी का बड़ा शानदार चैप्टर है, और वो ऑब्वियसली आपको मिलेगा अपेंडिक्स के तौर पे, क्योंकि वो प्रेम मैंने देखो ऐसा नहीं किया कोई झूठ मूठ का, मैंने सच्चा प्रेम किया है जो आज मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अरे देखिए नीरज की एक कविता जैसे एक लाइन में सुना रहा हूँ, जीवन में थे सुख के दिन भी और जीवन में थे दुख के दिन में दुख के दिन भी, पर हाय हुआ ऐसा कैसे सुख भूल गया दुख याद रहे। क्या बात है, लूंगा धन्यवाद। थैंक यू सर। हाडा जी आपको भी नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सो नाइस। थैंक यू चिन्ना साहब, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैडम।